Students, welcome to our YouTube channel. Do you like to write words and sentences in colorful designs and patterns? You do it using a computer. You already know the use of the computer, keyboard and mouse. You also know how to type text on computer using WordPad. Now you will learn how to type text using a software called MS Word. MS Word को ही क्या कहा जाता है? Microsoft वर्ड कहा जाता है। ये क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? इट इज अ वर्ड प्रोसेसर। अ वर्ड प्रोसेसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टू टाइप टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर। वर्ड प्रोसेसर क्या कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको टेक्स्ट टाइप करने में कंप्यूटर में हेल्प करता है, और उस पर आप क्या कर सकते हो? द प्रोसेस ऑफ टाइपिंग यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर इज नोन एज अ वर्ड प्रोसेसिंग। इस वर्ड प्रोसेसिंग, देर आर मेनी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल। सम ऑफ देम आर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोट पैड, वर्ड पैड, वर्ड स्टार, ओपन ऑफिस राइटर, वर्ड परफेक्ट एंड पेज मेकर। इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में लर्न करने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कैसे टाइप करते हो टेक्स्ट और उसको डिजाइंस देते हो, उस पर कैसे पैटर्न्स यूज करते हो, इसके बारे में टोटली अब हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। क्या करना है आपको? स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आपको कहाँ पर क्लिक करना है? क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। इस पर क्लिक करने पर क्या हो जाएगा? ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। और उसके बाद में ये कौन सी विंडो डिस्प्ले होती है? MS Word के, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही क्या कहा जाता है? इट इज पॉपुलरली नोन एज MS Word। MS Word ही उसको कहा जाता है। अब ये जो विंडो आपको डिस्प्ले हो रही है वो कौन सी विंडो है? माइक्रोसॉफ्ट MS Word की विंडो आपको दिखाई देती है। अब यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स हैं इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। इट इज अ टाइटल बार। ये क्या है? टाइटल बार है। इट अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन। ये कहाँ पर दिखाई देता है? इस स्क्रीन के टॉप में दिखाई देता है। इट इज अ माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पर क्या लिखा गया है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट वन एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या नेम आता है? डॉक्यूमेंट फर्स्ट एंड देन देयर एप्लीकेशन नेम। आपने कौन सा एप्लीकेशन ओपन किया है ये यहाँ पर डिस्प्ले होता है। टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट। इट ऑल्सो कंटेन्स मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। इसमें और कौन से बटन होते हैं? इट इज अ मिनिमाइज बटन, इट इज अ रिस्टोर डाउन बटन एंड इट इज अ क्लोज बटन। उसे ही मैक्सिमाइज, यहाँ पर थ्री बटन बाई डिफॉल्ट होते हैं। इट ऑल्सो होल्ड द क्विक एक्सेस टूल बार। और यहाँ पर क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार ऑल्सो होल्ड इट। यहाँ पर डिस्प्ले होता है, क्विक एक्सेस टूल बार डिस्प्ले होता है। क्विक एक्सेस टूल बार, इट इज अ प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार। ये कौन सा बार है? क्विक एक्सेस टूल बार एंड इट इज अ प्रेजेंट ऑन टाइटल बार। दिस हेल्प अस टू डू कॉमन टास्क विथ जस्ट वन क्लिक। इस पर क्या किया जाता है? कॉमन टास्क किया जाता है, जस्ट वन क्लिक पर ही आप उसे कर सकते हो। देन इट इज अ रिबन। ये जो रेक्टेंगल लॉन्ग बार आपको दिखाई देता है ये क्या है? इट इज अ रिबन। द रिबन कंटेन्स टू पार्ट, टैब्स एंड ग्रुप्स। ईच टैब कंटेन्स कमांड अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप्स। ये क्या है? रिबन है। और रिबन में क्या दिखाई देता है आपको? द टैब्स। ये क्या है? टैब्स है। इसे ही मेनू बार भी कहा जाता है। यहाँ पर डिफरेंट टैब्स है। कौन से टैब्स है? होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। ये कौन से टैब्स हैं? एमएस वर्ड के टैब्स हैं। और उसके नीचे जो ये दिखाई देते हैं ये क्या है? ग्रुप्स एंड देयर रिलेटेड कमांड्स है। ग्रुप्स के ग्रुप्स है डिवाइड। इसमें रिबन्स को कैसे डिवाइड किया है? ग्रुप्स में और कमांड्स में डिवाइड किया गया है। ये जो ग्रुप्स है कौन से है? क्लिपबोर्ड ग्रुप्स,
फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप और उसमें उसके रिलेटेड कमांड्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर क्या दिखाई देता है, और इट इज अ ऑफिस बटन। ये क्या है, ऑफिस बटन है, और ऑफिस बटन पर क्लिक करने पर क्या आपको दिखाई देता है, इसमें ऑप्शंस है। ये क्या है, पॉपअप मेन्यू में ऑप्शंस है, इसके सब मेनूज है, और इसमें क्या है, न्यू। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। इट इज़ अ ओपन, यू कैन ओपन योर एग्जिस्टिंग फाइल। इट इज़ अ सेव, यू कैन सेव योर फाइल। यू कैन स्टोर इन योर डिस्क, हार्ड डिस्क में आप इसे मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हो। सेव एज से यू कैन रीनेम योर फाइल। प्रिंटर से यू कैन टेक प्रिंट आउट योर डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट की यहाँ पर प्रिंट आउट ले सकते हो। एज वेल एज यू कैन सेंड योर डॉक्यूमेंट ईमेल, ईमेल पर सेंड करना है, फैक्स करना है, अटैच करना है, तो भी यहाँ से आप कर सकते हो। देन यू कैन क्लोज, यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो, जो आपने एप्लीकेशन वगैरह ओपन किया है ये यहाँ से क्लोज कर सकते हो। यही पर ऑप्शन है एग्जिट वर्ड, यहाँ से आप क्या हो सकते हो, एग्जिट हो सकते हो। ओके, अब ये सभी को समझ आ गया, फाइल टैब में क्या क्या होता है, ऑफिस बटन में क्या होता है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के जो भी न्यू वगैरह कमांड्स हैं उसमें सेट ऑफ कमांड्स होते हैं, वो तो आप यूज कर सकते हो। व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हो, जस्ट क्लिक ऑन ऑफिस बटन, यहाँ पर ऑफिस बटन है, यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। देन क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, यहाँ पर जो न्यू ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर क्या दिए गए हैं, पैटर्न्स दिए गए हैं, जो न्यू डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना है उसके टेम्पलेट्स दिए गए हैं, उसमें से जो आपको सिलेक्ट करना है यू कैन सिलेक्ट इट। देन आई वॉन्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट, देन क्लिक ऑन क्रिएट। क्रिएट पर आपने क्लिक करने पर यह आपको क्या आ जाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ओके, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी है तो इट इज़ अ, ये क्या है, पहले क्या मैंने बताया था, इट इज़ अ टाइटल बार, इट इज़ अ रिबन, रिबन कंटेंट्स टू पार्ट, इट इज़ अ टैब्स एंड ग्रुप्स, टैब्स और ग्रुप्स में रिबन कंटेंट होते हैं। देन इट इज़ अ, ये जो ब्लैंक एरिया आपको दिखाई देता है, वाइट एरिया, उसे क्या कहा जाता है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट एरिया। ये क्या है, डॉक्यूमेंट एरिया है। डॉक्यूमेंट एरिया के बाद ये जो आपको ये ब्लिंकिंग लाइन दिखाई दे रही है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ जो आपको दिखाई दे जाए ठीक से। इट इज़ अ ब्लिंकिंग लाइन, दिस ब्लिंकिंग लाइन आर कॉल्ड, दिस ब्लिंकिंग लाइन कॉल्ड कर्सर, इसे कर्सर कहा जाता है। देन इट इज़ अ रूलर्स, ये कौन से रूलर्स है, इट इज़ अ हॉरिजेंटल रूलर एंड इट इज़ अ वर्टिकल रूलर। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यू कैन सेट योर पेज मार्जिन, आपको पेज सेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। देन इट इज़ अ, यहाँ पर बटन्स है। देन इट इज़ अ स्टेटस बार, ये क्या है, स्टेटस बार है, स्टेटस बार पर आपको क्या दिखाई देता है, इट डिस्प्लेज द पेज नंबर, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड जूम ऑप्शन, स्टेटस बार पर दिखाई देता है। एंड रूलर्स पर क्या होता है, इट कीप्स ट्रैक ऑफ पेज मार्जिन, हाइट एंड विड्थ ऑफ द पेज, यहाँ से पेज मार्जिन से रूलर से क्या कर सकते हो, इट कीप्स ट्रैक ऑफ पेज मार्जिन, हाइट विड्थ एंड विड्थ ऑफ द पेज। द कर्सर, द ब्लिंकिंग लाइन ऑन द डॉक्यूमेंट एरिया इज कॉल्ड कर्सर, क्या कह सकते हैं आप, कर्सर किसे कहते हैं, ये जो ब्लिंकिंग लाइन होती है उसे क्या कहा जाता है, द ब्लिंकिंग लाइन ऑन द डॉक्यूमेंट एरिया इज कॉल्ड कर्सर, इट टेल्स द पोजिशन ऑफ द टाइप टेक्स्ट, ये क्या दिखा देता है, आपको पोजिशन दिखाई देता है। एंड इट इज अ डॉक्यूमेंट एरिया, इट इज अ लार्ज वाइट स्पेस टू टाइप द टेक्स्ट, ये जो लार्ज व्हाइट स्पेस होती है, जो ब्लैंक होती है, उसे क्या कहा जाता है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट एरिया। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यू कैन टाइप योर टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको कैसे सेव करना है, और आपने जो सेव की है फाइल वो कैसे, उसको क्या नाम देना है, ये सब कुछ अब हम देखते हैं, लेट अस लर्न अबाउट इट। अब यहाँ पर मैं टाइप कर रही हूँ, ओके, यहाँ पर मैं टाइप कर रही हूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस,
is an electronic device. तो क्या हो गया यहाँ पर, मुझे क्या टाइप करना था? यहाँ पर मैंने टाइपिंग की है कंप्यूटर वर्ड के बाद व्हेन यू वांट टू गिव स्पेस, अगर आपको स्पेस देनी है तो विच की इज यूज, स्पेस बार की. स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. आपको अगर दो वर्ड्स के बीच में आपको स्पेस देनी है तो कौन सी की मैंने यूज की है, स्पेस बार की है. और यहाँ पर अब क्या हो गया, एंटर की से आप करना है आई वॉन्ट टू गो नेक्स्ट लाइन. अगर आई यू वॉन्ट टू गो नेक्स्ट लाइन विच की इज यूज, वेन यू वॉन्ट टू गो नेक्स्ट लाइन यू कैन यूज एंटर की. एंटर की से क्या हो गया, आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पर डिस्प्ले हो गया, वहाँ पर मूव हो गया. देन अगर आपको यहाँ पर मुझे क्या टाइप करना था, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यहाँ पर मुझे टाइप करना था, देन वहाँ पर आप माउस से भी जा सकते हो, अदरवाइज यू कैन यूज कौन सी की आपको यूज करनी है, एरो कीज. एरो कीज की जो अप की है उससे क्या हो गया, मैं ऊपर के लाइन पर आ गए. देन व्हेन यू वांट टू गिव स्पेस, देन स्पेस बार की से क्या हो गया, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, स्पेस दे सकते हो. उसके बाद में मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर अब मुझे ये कंप्यूटर का जो सी मैंने टाइप किया है लेटर, वो मुझे स्मॉल लेटर में चाहिए. इफ़ यू वांट टू डिलीट राइट साइड कैरेक्टर ऑफ द ऑन द कर्सर, कर्सर के बाजू के जो लेफ्ट साइड राइट साइड के कैरेक्टर है सी कैरेक्टर, वो मुझे डिलीट करना है. विच की इज यूज, डिलीट की से. डिलीट की से क्या कर सकते हो आप, देखो जहाँ पर कर्सर है उसके राइट साइड का कैरेक्टर डिलीट हो गया. डिलीट होने के बाद मैं अब क्या करूँगी, स्मॉल सी मैंने टाइप की है. यू कैन अंडरस्टैंड द यूज ऑफ डिलीट की. अब यहाँ से आपको समझ में आ गए डिलीट की कैसे यूज की जाती है, स्पेस बार की कैसे यूज की जाती है. आफ्टर दैट हाउ टू गो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन कैसे जाना है, यू कैन यूज एंटर की. एंटर की से आप नेक्स्ट लाइन जा सकते हो. वैसे ही व्हेन यू वांट टू सिलेक्ट दिस डॉक्यूमेंट, ये जो हमने डॉक्यूमेंट किया है उसके लिए कैसे सिलेक्ट किया जाता है, यूजिंग लेफ्ट माउस बटन. लेफ्ट माउस बटन से यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट. क्लिक करने पर क्या हो जाता है, आपका जो भी कुछ लाइन जो है वो क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई यूजिंग लेफ्ट माउस बटन. लेफ्ट माउस बटन को मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उसे ड्रैग किया जहाँ तक मुझे उसे सिलेक्शन चाहिए तब तक मैंने उसे सिलेक्ट किया और वो पूरे की पूरी लाइन क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई. अब सिलेक्ट होने के बाद आई वॉन्ट टू फॉर्मेट दिस डॉक्यूमेंट, अगर उसे आपको फॉर्मेटिंग करने हैं तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, उसे मुझे डार्क करना है, उसे कलरफुल करना है. बाय डिफॉल्ट इसका फॉन्ट टाइप कौन सा है, मैंने कौन सा लिया है फॉन्ट, कैलिब्री बॉडी लिया है, लेकिन मुझे ये भी फॉन्ट भी उसका चेंज करना है, उसकी फॉन्ट साइज भी चेंज करनी है. तो यहाँ पर फॉन्ट बटन पर आपने अगर क्लिक किया, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत क्या है, आपको उस डॉक्यूमेंट को उस लाइन को सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट करने के बाद यू कैन सिलेक्ट, यहाँ से आप फॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हो, आपको जो फॉन्ट चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. एरियल ब्लैक डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर फॉन्ट दिए गए हैं, आप यहाँ से फॉन्ट चेक कर सकते हो और जो फॉन्ट चाहिए जस्ट क्लिक ऑन इट. वहाँ पर क्लिक किया तो देखो यहाँ से मैंने फॉन्ट चेंज कर लिया. चेंज करने के बाद व्हेन यू वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ फॉन्ट, उस फॉन्ट के अगर आपको साइज इंक्रीज करनी है तो यहाँ पर ये जो बड़ा वाला ए दिखाई देता है इंक्रीज द फॉन्ट साइज, इससे आप क्या कर सकते हो, आपके फॉन्ट की साइज इंक्रीज कर सकते हो. और ये जो छोटा वाला ये दिखाई देता है श्रिंक फॉन्ट, उससे क्या कर सकते हो, इंक्रीज द फॉन्ट, डिक्रीज द सॉरी हाँ डिक्रीज द फॉन्ट साइज, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, मतलब आपके जो फॉन्ट की साइज है यहाँ से कम कर सकते हो. इट इज अ ग्रो फॉन्ट, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो. और ये जो श्रिंक फॉन्ट है इससे क्या कर सकते हो, डिक्रीज द फॉन्ट साइज. और इसके अलावा यहाँ जो नंबर दिखाए गए हैं वहाँ पर भी आपने जस्ट क्लिक किया और वहाँ पर जाकर आपने जो नंबर से भी बढ़ाया तो भी चल सकता है. ओके, अब हमने देखा यहाँ पर कि आप कैसे फॉन्ट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज कैसे चेंज कर सकते हो, एज वेल एज यू कैन बोल्ड योर डॉक्यूमेंट. कैसे बोल्ड, बोल्ड से क्या हो जाता है, मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, लेकिन इसके लिए सिलेक्शन जरूरी होता है. एवरीवन लिसन केयरफुली, जो आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं उसके लिए सिलेक्शन जरूरी होता है.
बोल्ड से क्या हो सकता है, मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, यहाँ से सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाता है, बोल्ड हो जाता है मतलब और थोड़ा सा उसे ज़्यादा डार्क हो गया जो पहले था। इटैलिक से आप जो कुछ इटैलाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट, देखो इटैलाइज कैसे हो गया है। देन अंडरलाइन, इफ यू वांट टू गिव अंडरलाइन यू कैन गिव फ्रॉम हियर, यहाँ से आप दे सकते हो। अब देखो बोल्ड के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू। आप सभी को ये जो शॉर्टकट कीज है वो क्या करनी है, लर्न करनी है और आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी भी आप शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हो, उसके लिए आपका जो वर्क है वो बहुत ही अच्छे तरह से हो सकता है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गए आपको। उसके बाद में मुझे ये जो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर आया है आपके फॉन्ट को, वो मुझे चेंज करना है। फ्रॉम हियर कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर यहाँ से फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर से आप क्या कर सकते हो, आपका जो फेवरेट कलर है आप उसे दे सकते हो। यू कैन चूज योर फेवरेट कलर। यहाँ पर देखो मैंने ये मेरा कलर यहाँ से सिलेक्ट किया है। अब यहाँ से सिलेक्शन मैंने निकाल दिया तो कैसे दिखाई दे रहा है, ये जो फॉर्मेटिंग की है उसके लिए मैंने क्या क्या किया है, फॉन्ट चेंज किया, फॉन्ट साइज उसकी चेंज की, उसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया एंड उसका फॉन्ट कलर चेंज किया है। उसके साथ ही अगर मुझे उसे हाईलाइट करना है, आपने कोई भी पेज में देखते हो आप, टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में जो भी पॉइंट्स निकालते हो उस पॉइंट्स को आप हाईलाइट करते हो, हाईलाइटर से आप उसे हाईलाइट करते हो, अगर आपको भी यहाँ पर उसे हाईलाइट करना है तो विच ऑप्शन इज यूज दिस हाईलाइट टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मेक टेक्स्ट लुक लाइक इट वॉज मार्क विद अ हाईलाइटर प्लेन पेन, हाईलाइटर पेन की तरह आप उसे कर सकते हो। एंड यहाँ से हमने अभी ये जो देखा फॉन्ट, फॉन्ट साइज, जो भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आपने जो कलर चेंज किया, हाईलाइट कर रहे हो, ये सब कुछ कहाँ पर आता है, इट इज इन फॉन्ट ग्रुप। ये कौन से ग्रुप में है, फॉन्ट ग्रुप में है, ये सब कुछ कहाँ पर है, फॉन्ट ग्रुप के बारे में अभी हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो फॉन्ट ग्रुप में ये सभी ऑप्शन से ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है, फॉन्ट कमांड इज प्रेजेंट इन विच ग्रुप, कौन से ग्रुप में फॉन्ट कमांड, फॉन्ट साइज कमांड, फॉन्ट कलर, ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, तो आपको ये बताना आना चाहिए, इट इज अ प्रेजेंट इन फॉन्ट ग्रुप, ये कौन से ग्रुप में है, फॉन्ट ग्रुप में है। तो यहाँ पर डिफरेंट से ग्रुप्स, क्लिप बोर्ड है, पैराग्राफ है, यहाँ से आप वो सिलेक्ट करके कर सकते हो। ओके, अब मैंने क्या कहा था, हमें अगर हाइलाइटर चाहिए, जनरली आप येलो कलर का हाइलाइटर यूज करते हो, आपको समझने के लिए यहाँ पर ये मैं टू ही वर्ड्स सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन टेक्स्ट हाइलाइट कलर, वहाँ पर अगर आपने क्लिक किया, देखो यहाँ पर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, कैसे हाइलाइटर की तरह दिखाई दे रहे हैं ना, वो पॉइंट्स, आपका वो पॉइंट क्या हो गया, हाइलाइट हो गया। अब यहाँ पे हमने यहाँ पर किस बारे में देखा है, फॉन्ट ग्रुप्स के ऑप्शंस के बारे में देखा है। उसके साथ ही अगर आपको सबस्क्रिप्ट, ये क्या है, सबस्क्रिप्ट है एंड इट इज अ सुपर स्क्रिप्ट, अगर आपको ये दो ऑप्शंस यूज करने हैं, सबस्क्रिप्ट से क्या होता है, क्रिएट स्मॉल लेटर्स बिलो द टेक्स्ट बेस लाइन, जो टेक्स्ट की बेस लाइन होती है उसके नीचे अगर आपको कोई लेटर लेना है यू कैन यूज सबस्क्रिप्ट। एंड सुपर स्क्रिप्ट से क्या होता है, क्रिएट ए स्मॉल लेटर्स अबव द लाइन ऑफ द टेक्स्ट, अगर आपको स्क्वेयर रूट वगैरह लिखने हैं, रेस टू लिखना है, टू रेस टू टू लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो, सुपर स्क्रिप्ट लिख सके यूज कर सकते हो। एंड H2O अगर लिखना है, अगर टू आपको नीचे लेना है टेक्स्ट के नीचे, तो आप कौन सा यूज कर सकते हो, यू कैन यूज सबस्क्रिप्ट। अब कैसे लेना है मैं आपको बता देती हूँ, इफ यू वॉन्ट टू टाइप ऑल लेटर्स इन कैपिटल, कैपिटल्स में आपको अगर सभी लेटर चाहिए तो विच की इज यूज, कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की से आप पूरे के पूरे लेटर्स कैसे लेते हो, कैपिटल लेते हो, H2O का H2O क्या करना है हमें, थोड़ा H के नीचे लेना है, देन यू कैन सिलेक्ट इट, आपने उसे क्या किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट पर आपने क्लिक किया तो देखो ये क्या आ गया, उस टेक्स्ट के बेस लाइन के नीचे आ गया। आपको ये दिखाई देने के लिए इसकी साइज कम की तो भी आपको ठीक से समझ में आ जाएगा, इसका फॉर्मेट निकाल देती हूँ तभी आपको
ठीक से समझ में आ जाएगा। ओके, देखो यहाँ पर ये टेस्ट के नीचे आ गया है। व्हेन यू वांट टू स्क्वायर रूट वगैरह टू, अंडू से क्या होती है, कैंसल लास्ट एक्शन, जो मैं मुझसे वो डिलीट हो गया था अंडू, मैंने कौन सी कमांड यूज की, अंडू। अंडू से क्या होता है, कैंसल लास्ट एक्शन, कैंसल अर्लियर एक्शन, जो भी कुछ ना अर्लियर गिवन एक्शन मैंने दी थी वो क्या करो, कैंसिल करो, फिर से वो आ गया ना। हाँ, देन टू टू, इसका मुझे क्या करना है, टू रेस टू करना है, तो कैसे करना है, यू कैन सिलेक्ट इट, आपको उस पर क्या करना है, उस टू को ही सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यू कैन यूज सबस्क्रिप्ट ऑफ सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट से क्या हो गया, जो आपका टू रेस टू हो गया ना। हाँ, इसके मैं साइज बढ़ा देती हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। ओके ओके, दिखाई दे रहा है ठीक से। ओके, देन अब हमने इस फॉन्ट ग्रुप के जो भी कमांड्स है उसके बारे में देखा है। अगर आपको पूरा का पूरा ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपका हो गया है और आपको एक कौन सा भी वर्ड क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन, आपको क्या करना है, स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन यूज करना है। स्ट्राइक थ्रो से क्या होता है कि ड्रॉ अ लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को अगर आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, आपको बताना है कि ये कंसिडर मत करो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस लाइन को आपको कैसे यूज करना है, यहाँ पर दिखाई देती हूँ। डिवाइस ये मैं टाइप करती हूँ, अब ये टू टाइम डिवाइस डॉक्यूमेंट में आ गया है, तो मुझे ये क्या करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है, तो कैसे कर सकते हो, पहले उसे सिलेक्ट करना है, स्ट्राइक थ्रू से क्या कर सकते हो, ड्रॉ अ लाइन द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, जो सिलेक्टेड पार्ट है उसमें, देखो आ गए, मतलब ये टू टाइम मुझसे डिवाइस टाइप हो गया था, इसलिए मैंने उसे क्या किया, एक को कट किया है। आप नॉर्मली नोटबुक में कैसे इरेजर से करते हो, लेकिन ये कंप्यूटर पर मैंने क्या किया, उस लाइन को ही स्ट्राइक आउट कर दिया, मत उसे कंसिडर मत करो। ओके, समझ में आ गया कि पूरा का पूरा मैंने किसके बारे में कहा गया है, फॉन्ट ग्रुप के बारे में, यहाँ पर हमने सब कुछ डिटेल में देखा है। उसके बाद में डिलीट के बारे में भी देखा, फॉर्मेटिंग कैसे करना है ये भी हमने देखा। अगर आपको आपके इस डॉक्यूमेंट को दूसरे फॉर है पैराग्राफ ग्रुप में भी जो ऑप्शन है उसके वो यूज करने हैं, तो हाउ टू यूज इट, आप उसे कैसे यूज करते हो इसके बारे में देखते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में क्या क्या है, ये क्या है, इट इज अलाइनमेंट, अलाइनमेंट से क्या कर सकते हो, आपके टेक्स्ट को आप अलाइनमेंट दे सकते हो, और वो अलाइनमेंट देने के लिए कौन से ग्रुप में है, इट इज इन फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, वो किस में है, पैराग्राफ ग्रुप में है। तो इसके बारे में हम हमारे जो पार्ट टू वीडियो है इसके इसमें देखने वाले हैं। अब सबसे पहले अब हम क्या करने वाले हैं, आपने ये जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया है ये डॉक्यूमेंट हम क्या करेंगे, सेव करने हैं। तो सेव करने के लिए कौन से स्टेप्स होते हैं इसके बारे में देखते हैं। योर वर्ड डॉक्यूमेंट इज सेव इन द फॉर्म ऑफ फाइल, आपका जो भी कुछ वर्ड डॉक्यूमेंट सेव किया जाता है वो किस रूप में आपको दिखाई देता है, फाइल के रूप में दिखाई देता है। इट हेल्प्स यू टू यूज इट इज इट इन फ्यूचर, इट हेल्प्स यू टू यूज इट इन फ्यूचर, फ्यूचर में आप उसे यूज कर सकते हो, फ्यूचर में आप उसे सेव करने से क्या होता है, जब चाहे आप उसे ओपन कर सकते हो। तो उसके लिए कौन से स्टेप्स है, इफ यू वांट टू सेव योर डॉक्यूमेंट, आपको अगर आपके डॉक्यूमेंट आपको सेव करना है, देन यू कैन क्लिक ऑन ऑफिस बटन, ऑफिस बटन पर क्लिक करने पर क्या हो जाता है, ऑफिस बटन पर क्लिक करने पर सेव ऑप्शन आता है। सेव के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस यस, यस शॉर्टकट की है, उस पर क्लिक करने पर आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्लिक ऑन इट, क्लिक करने पर आपको क्या आता है, यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई देता है, और उस बॉक्स में आपको क्या होता है, यहाँ पर आपको नेम टाइप करना होता है, आपके फाइल को नेम देना होता है। अगर यहाँ पर मैंने नेम दे दिया कंप्यूटर, मैं यहाँ पर क्या नाम देने वाली हूँ, कंप्यूटर। ओके, ये कंप्यूटर नेम देने के बाद यू कैन
क्लिक ऑन सेव बटन। आपको ये नेम देने के पर कहाँ पर क्लिक करना है, सेव बटन पर क्लिक करना है। ये जो सेव एज बॉक्स दिखाई देता है उस बॉक्स में जहाँ पर फाइल नेम है वहाँ जाकर आपको फाइल को नेम देना है। आफ्टर दैट यू क्लिक ऑन सेव बटन। यहाँ पर जो सेव ऑप्शन है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। बच्चों देखो यहाँ पर जो मैंने टाइटल बार पर सबसे पहले आपको बताया था, आपको यहाँ क्या दिखाई दिया था, बाय डिफॉल्ट जो नेम था डॉक्यूमेंट फर्स्ट, जो आपको डॉक्यूमेंट को आता है उसकी जगह पर जो आपने नेम दिया है, कौन सा नेम अभी दिया है, फाइल सेव कर रहे थे तब हम डॉक्यूमेंट सेव कर रहे थे तो वो ये कंप्यूटर नेम दे दिया। तो कंप्यूटर नेम देने पर आपके जो ये क्या हो गया डॉक्यूमेंट, अब ये फाइल हो गया है। और इस फाइल को क्या नेम दिया गया है, कंप्यूटर नेम दिया गया है। और वो कंप्यूटर नेम आपको कहाँ पर दिखाई देता है, इट इज ऑन टाइटल बार। अब टाइटल बार पर एप्लीकेशन जो आपने ओपन किया है उसके आगे आपको ये नेम दिखाई देता है। इफ यू वॉन्ट टू क्लोज, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट क्लोज करना है तो मैंने पहले ही बताया था यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑफिस बटन में क्लोज ऑप्शन है, वहाँ पर अगर आपने क्लिक किया तो जो आपने वो क्लोज बनाई थी फाइल वो क्या हो गई, क्लोज हो गई। यहाँ से जो आपने फाइल क्रिएट की थी वो फाइल क्या हो गई, क्लोज हो गई। व्हेन यू वांट टू ओपन इट, अगर आपको उसे ओपन करना है तो यहाँ पर कौन सा ओपन ऑप्शन है, ओपन ऑप्शन है, और उसकी शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एच ओपन के लिए शॉर्टकट की है। और उस पर आप जाकर जो आपका फाइल का नेम आपको याद होना चाहिए, मैंने कौन सा नेम दिया था, कंप्यूटर, वहाँ पर जाकर आपने उसे क्लिक किया तो अगेन यू कैन ओपन इट, आप उसे ओपन कर सकते हो। यहाँ से क्या हो गया, क्लोज बटन से आप क्या कर सकते हो, जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे थे उससे आप उसे, यू यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यू हैव टू ऑप्शन टू ओपन मेनी डॉक्यूमेंट्स इन द कंप्यूटर। How you are after finishing the word, you need to close the open document. आपने जो ओपन किया है डॉक्यूमेंट आपको वो क्लोज करना है, यू कैन यूज क्लोज बटन। क्लोज बटन से आपने जो डॉक्यूमेंट ओपन किया था उसे आप क्लोज कर सकते हो। और यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन है, एग्जिट ऑप्शन, वर्ड से आप क्या हो सकते हो, यहाँ से एग्जिट हो सकते हो, आप एप्लीकेशन से ही बाहर निकाल सकते हो, एग्जिट हो सकते हो। इफ यू वॉन्ट टू टेक प्रिंट आउट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, आपको अगर प्रिंट आउट लेनी है यूजिंग दिस बटन यू कैन टेक प्रिंट आउट, आपको यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हो, प्रिंट ऑप्शन से आप यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हो। देन व्हेन यू वांट टू एग्जिट, आफ्टर यू कंप्लीट ऑल योर वर्क यू नीड टू क्लोज द माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन, आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से एप्लीकेशन से एग्जिट होना है, बाहर निकलना है, तो आप कौन सा बटन यूज कर सकते हो, एग्जिट वर्ड। यहाँ पर ये कौन सा बटन है, एग्जिट वर्ड से आप क्या होते हो, यहाँ से एग्जिट हो सकते हो। और यहाँ पर ही आपको कॉर्नर में टाइटल बार के कॉर्नर में भी यहाँ पर बटन है क्लोज बटन, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से एग्जिट हो सकते हो, बाहर निकाल यहाँ से बाहर हो सकते हो। अब हमने यहाँ पर ऑप्शंस देखे हैं, अब आप हम क्या करते हैं, एग्जिट होना है तो यू कैन यूज क्लोज बटन पर, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, एग्जिट, यहाँ से एग्जिट हो सकते हो। तो अब हमने इस वीडियो में बच्चों क्या देखा, एमएस वर्ड के फॉन्ट ग्रुप में जो कुछ ऑप्शंस है कमांड्स है वैसे ही आपकी फाइल आकर कैसे सेव करनी है, ओपन करनी है, एग्जिट कैसे करना है इसके बारे में देखा है। मेरे पार्ट टू वीडियोज में एमएस वर्ड का जो पार्ट टू वीडियोज है